करता है, स्मोक्स वगैरह करेंगे। मॉर्टल आगे के साइड निकलने की कोशिश और फिनिश किया रोज को रेगल्टोस ने, एक किल सोल स्क्वाड के पास आता हुआ। फेनेटिक के वेस्ट डाउन होते हुए ज़ीगॉट के द्वारा आई गेस फेनेटिक हो चुका है। बाकी वीएसजी स्क्वाड की बात करें, क्लोज तो आ ही रहे हैं बट सीजी थोड़े से दूर जा चुके हैं, रोटेशन में भी दिखा सकते हैं। ईवो और सांगवान भी पीछे निकल चुके हैं। अमन की बात करें, काफी ज्यादा क्लोज जाते हुए एक और नेड और देख सकते हैं, बट नहीं, पीछे से ईटीजी ब्रॉलर्स की टीम आती हुई, वाइपर काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। और अब एंटिटी की टीम, ओके सोल की टीम में भी सैंडविच हो सकती है। डार्क पीछे के साइड पे वीएसजी क्रॉलर्स सोल और ईटीजी ब्रॉलर्स की एक साथ फाइट देखने को मिलती हुई। ब्लेजिंग ने डाउन किया सेल्स के रॉक्स को, बाकी वाइपर की बात करें हील करेंगे अपने आप को। टेकमैन डाउन, रॉक्स को पूरी तरीके से फिनिश किया। सांगवान ऊपर के साइड चढ़ चुके हैं, मॉर्टल और रेगल्टोस आगे के साइड जा चुके हैं। राउकिंग डाउन होते हुए जिक सॉ के द्वारा और फिनिश भी किए जाएंगे। जैशॉन भी डाउन हुए और पीरू के एक नेड आया रेगल्टोस के पास, काफी ज्यादा क्लोज। जिक सॉ नॉक डाउन और अपने आप को पीछे के साइड से ब्रॉलर्स की टीम भी पुश करती हुई। अभी के लिए सोल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का माहौल बनता हुआ। ब्रॉलर्स की टीम चेस्ट ऊपर, वाइपर काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। 3v4 का सिचुएशन होता हुआ, किस्मत थोड़ी सी खराब। वाइपर डाउन होते हुए डार्क के द्वारा रेड जोन भी इन स्क्वाड के ऊपर बना है। ईवो ने डाउन किया वाइपर को, किल कंफर्म किया और अपने नाम एक किल भी किया। डोन भी डाउन और शायद फिनिश भी हो जाएंगे। अमन का सादा प्यारा जैसों को सोल मॉर्टल डाउन होते हुए सीसी के द्वारा, अमन पीछे के साइड से डाउन होते हुए आई गेस डार्क के द्वारा या फोर के द्वारा डाउन हुए। सीजी दूसरे साइड से मॉर्टल को फिनिश किया, ओएस को भी फिनिश किया गया नियो के द्वारा। अमन नॉक डाउन है, रेगल्टोस काफी कम एचपी पे और शायद इसी के साथ सोल की स्क्वाड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। अकेले बचे हैं रेगल्टोस, हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गई है। बीएसजी क्रॉलर्स की टीम यहां से निकलना ज्यादा पसंद करेगी और शायद पीछे निकल भी रही है। सांगवान जा चुके हैं। पारितोष की बात करें तो उन्होंने नियो को डाउन किया, घातक को डाउन किया। पारितोष ने एंटिटी वर्सेस फैनेटिक हो रहा है, काफी ज्यादा क्लोज माहौल है बट यहाँ पे तीन स्क्वाड की फाइट चलते हुए अमन को फिनिश किया। सांगवान ने डाउन किया फ्रॉस्ट को, अच्छा स्प्रे आता हुआ रहेगा तो अकेले बचे उनके पास आएगा। सील्स वगैरह है नहीं, नेट करेंगे और शायद ये नेट कंफर्म भी होगा। डार्क जस्ट नीचे के साइड पे, यस बिल्कुल ये नेट जा रहा है और दो मेंबर्स डाउन होते हुए बढ़िया नेट जाता हुआ रेगल्टोस। आप भी वहीं पे हैं जहां पे वो पहले थे। सांगवान पूरी तरीके से रश करने की कोशिश करेंगे, रेगल्टोस अकेले बचे हुए, हील्स वगैरह उनके पास कुछ भी नहीं है, फर्स्ट एड भी नहीं है, बैंडेज है, हील करेंगे अपने आप को। बाकी क्रॉलर्स के प्रॉस डाउन, डार्क भी डाउन होंगे, फिनिश किए गए। तीन मेंबर बचे हुए हैं क्रॉलर्स के और अभी के लिए डार्क भी नॉक आउट है, फिनिश हो जाएंगे। 1v1v4 1v1v3 का सिचुएशन होता हुआ, रेगल्टोस और आईटी प्रिंस दो मेंबर बचे हुए हैं रेगल्टोस और इसी के साथ क्रॉलर्स की टीम फिनिश होती हुई बाय सोल रेगल्टोस, जो कि अपने नाम का बड़ा भी के लिए बच के निकलना मुश्किल। और पीएसजी क्रॉलर्स का बढ़िया गेम प्ले आता हुआ, डिफेंड बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, 6 किल्स अपने नाम किए, टोटल 13 मिनट का गेम प्ले हो चुका है।